गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि मास्टर थ्योरम्स क्या होती है और कौन कौन से केसेस होते हैं। अब इसमें बताएंगे जो मास्टर थ्योरम का केस वन होता है उसका क्या एग्जाम्पल होता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। हमने ये बताया था कि जो हमारा केस वन होता है, जो हमारा इक्वेशन होती थी मास्टर थ्योरम की, वो क्या थी, टी एन इक्वल टू ए टी एन अपॉन बी प्लस एफ एन। इससे कंपेयर करके जो इक्वेशन दी रहेगी ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एन की पावर, एन की पावर एन लॉग बी बेस ए। जब हम एन की पावर निकालेंगे, यहाँ पर हमने जो इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ टी एन इक्वल टू नाइन टी एन अपॉन थ्री प्लस एन, ए की वैल्यू कितनी है 9 और बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। हमने एन की पावर निकाली लॉग बी बेस ए, तो लॉग यहाँ पर बी की वैल्यू 3 आ गई और ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो यहाँ पर कितना आया एन की पावर एन स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर तो सिंपल था, अगर हमें कैलकुलेटर से निकालना हो एन की पावर तो कैसे निकालेंगे, एन लॉग बी बेस ए इक्वल टू एन लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, इस तरह से एन की पावर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी एन की पावर निकल आई, यहाँ पर एन की पावर कितनी निकली एन स्क्वायर, और जो हमारा गिवन है एफ एन वो क्या दिया हुआ है एन की पावर 1। हम एन स्क्वायर एफ एन को कंपेयर करेंगे एन से, तो यहाँ एन स्क्वायर है और यहाँ क्या है एन की पावर 1। अगर 2 में से एक माइनस करेंगे तभी तो हमें एन मिलेगा, तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, केस 1, माइनस करने पर केस 1 लगता है। तो हमारा केस 1 क्या कहता है, एफ एन इक्वल टू बिगो एन लॉग बी बेस माइनस सिग्मा, माइनस करने पर हमारा क्या लगता है केस 1। तो यहाँ पर एन लॉग बी की वैल्यू कितनी आई एन स्क्वायर आई, और इसमें माइनस कितना करेंगे कि हमारा एन आ जाए, तो यहाँ पर 2 है माइनस 1 करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा है क्या ग्रेटर देन 0, तो सिग्मा की वैल्यू 1 यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये केस 1 लग गया, केस 1 लग गया, वी गेट द केस 1। केस 1 लगाने पर जब केस 1 लग जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, टी एन इक्वल टू, आउटपुट क्या होता है टी एन इक्वल टू थीटा, टी एन इक्वल टू थीटा एन लॉग बी बेस ए, तो इसकी वैल्यू में रख दी तो आंसर कितना आ गया टी एन इक्वल टू थीटा थीटा एन स्क्वायर, आंसर कितना आया टी एन इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर। समझ में आया केस 1, केस 1 में क्या होता है, माइनस करने पर पहले एन की पावर निकालेंगे, फिर जो एफ एन गिवन है उन दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर जो हमारा एन की पावर आई है उसमें माइनस करने से एफ एन की वैल्यू मिलेगी तो केस 1 लगेगा, अगर केस 1 लगेगा तो वहाँ पर आउटपुट आएगा टी एन स्क्वायर टू थीटा एन की एन लॉग बी बेस ए। थैंक यू।